हेलो गाइस, आई एम हर्ष कौशल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में, एक्सक्रीटरी यूनिट जो होता है नेफ्रॉन हमारी बॉडी का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो किडनी है जो कि यूरिन को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और जो यूरिन है उसे बाहर हमारी बॉडी से निकालने के लिए तैयार करती है। सो उसकी अंदर की जो यूनिट्स हैं, जैसे किडनी जो है वो एक तरीके की फैक्ट्री है, और उसमें जो यूनिट्स जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हमारे नेफ्रॉन हैं। तो आज हम इन नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, फिर डायग्राम बनाना नहीं आता, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10th वालों के लिए 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और आपकी नॉलेज के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपके नेफ्रॉन्स जो है वो काम कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार डायग्राम बनाया था उसका, नेफ्रॉन का। ओके, सो यहाँ पर ही हमारा नेफ्रॉन जो है वो कंप्लीट हो गया। जरा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले क्या चीज़ होती है। सबसे पहले जो ब्लड हमारे इस नेफ्रॉन के पास लेकर आती है वो होती है हमारी एफरेंट आर्टेरियल, और इसके बाद जो ब्लड इस नेफ्रॉन को लीव करता है वो करता है एफरेंट आर्टेरियल से। ओके, सो एफरेंट आर्टेरियल जो वो ब्लड को लेकर आती है, और एफरेंट आर्टेरियल जो है उस ब्लड को वापस लेकर चली जाती है, और उस ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो लाइट कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल है, जो फनल शेप है, इसके अंदर जो है भर जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है बोमैन्स कैप्स्यूल, और इसके अंदर वाला जो ये पार्ट है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ओके, तो ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमैन्स कैप्सूल है, और बोमैन्स कैप्सूल के जस्ट नीचे जो चीज होती है वो होती है आपकी पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप। ओके, सो ये चीज हो गई। इसके अलावा फिर यहां वाला जो आपका पार्ट है ये कहलाता है डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, सो यहां पर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका वो कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो यहां पर इसकी लेबलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले यहां पर क्या चीज होती है कि आपका ब्लड यहां पर आया एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू और एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू बाहर निकल गया। फिर उसके जो कंपोनेंट्स थे, जो कि उसके अंदर का जो यूरिया था वो तो यहाँ नीचे आ गया, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि वाटर हो गया, क्लोराइड आयंस हो गए, सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, आपकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वाटर बहुत सारा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इस फनल के अंदर आ जाती हैं। तो आपकी जो एफरेंट आर्टेरियल है ये इसके अराउंड जो है यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं लिपट जाती है, ताकि वो सारी की सारी चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्व कर पाए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो यहाँ पर लिपट गई है, तो इससे यहाँ पे वाटर जो है वो निकाल लिया जाता है, और यहाँ से जो है सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस और पोटेशियम के आयंस और भी बहुत सारे जो आयंस होते हैं, प्लस और बहुत सारा
वाटर जो है वो निकाल लिया जाता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है, और वो वाटर जो है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स को मेंटेन रखते हैं हमारी बॉडी में, जो इलेक्ट्रोलाइट की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रखते हैं, और ब्लड जो है उसमें जो इम्पॉर्टेंट अमाउंट है वाटर का, उसके उसके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो इम्पॉर्टेंट अमाउंट है वाटर का, उसे उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी पानी यहाँ से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ लास्ट में जितना पानी यहाँ पर वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है वो एक और हार्मोन वर्क करता है, ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो एक्स्ट्रा वाटर को जो है हमारे इस यूरिन के अंदर से निकलवाता है हमारी बॉडी में, ताकि यार और जो जितना वाटर आप खींच सकते हो उतना खींच लो। तो लास्ट जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो आपकी यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है ADH की वजह से, और लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट में से बच जाता है वो सारा का सारा यूरिन जो है वो पहुंच जाता है यूरेटर्स के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचने के बाद जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तब यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम जो था वो आपको दिखाता है कि यार नेफ्रॉन जो है, जो किडनी की एक छोटी सी यूनिट है, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, सही है। तो अगर आपको अभी भी इसके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और जितने भी चैप्टर्स आपको साइंस के पढ़ने हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने सब पे वीडियोस डिटेल के अंदर बना दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके, और मेक श्योर आप सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो सबसे पहले मिल जाए। विद दिस थैंक यू, साइनिंग ऑफ।